नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी और उसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में समझा। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई और आज भी इसका विस्तार जारी है। प्रारंभ में इसमें सभी गैसें थीं जो धीरे धीरे नेबुला, गैलेक्सीज और छोटे बड़े स्टार्स में बदल गई। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और यह ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा भाग है। गैलेक्सी में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सभी सेलेस्टियल बॉडीज गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। हमारा सौर मंडल लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अस्तित्व में आया। आइए आज इस वीडियो में हम सौर मंडल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य एक तारा है जो लगभग 71% हाइड्रोजन और 26% हीलियम से बने एक विशाल गोले के रूप में है। इसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगाती रहती हैं। सभी सेलेस्टियल बॉडीज में सूर्य सबसे बड़ा है। इसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 टाइम्स अधिक है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। यह अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा पैदा करता है। इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए ग्रहों, उपग्रहों और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, सूर्य के सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज का है, यानी यह सूर्य का एक पूरा चक्कर 88 डेज में कंप्लीट करता है। मरकरी का डायमीटर 4,880 किलोमीटर है और इसके कोर का डायमीटर लगभग 4,000 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 2,000 किलोमीटर की कोर आयरन से बनी है। इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है और इस पर कई बड़े क्रेटर हैं। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे पास होने पर भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। वीनस के बाद यह दूसरे नंबर का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस पाया जाता है। एक तरफ इसका दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि रात का टेम्परेचर 0 से -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के बाद बुध सबसे अधिक डेंसिटी वाला ग्रह है। बुध ग्रह पर वेट कम हो जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वेट 100 केजी है तो बुध ग्रह पर उसका वेट 38 केजी हो जाएगा। शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूसरा सबसे निकट का और सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। यह सूर्य का एक पूरा चक्कर 224.7 डेज में कंप्लीट करता है। पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है। वीनस और अर्थ के आकार और बनावट में समानता होने के कारण वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। सौर मंडल के लगभग सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो इसकी सतह का टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक कर देता है। यही कारण है कि मरकरी से दुगनी दूरी होने पर भी यह मरकरी से भी ज्यादा गर्म ग्रह है। वीनस सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। यह सूर्यास्त के बाद सबसे पहले दिखाई देता है और सूर्योदय तक दिखाई देता रहता है, इसीलिए इसे हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से ही जानते हैं। यदि पृथ्वी पर वजन 100 केजी है तो वीनस पर वेट 90 केजी होता है। पृथ्वी यानी अर्थ सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। अर्थ हमारे सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। सूर्य के प्रकाश को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। सूर्य से उसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अर्थ सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज और लगभग 6 आवर्स का समय लेती है। यही 6-6 आवर्स मिलकर 4 इयर्स में 24 आवर्स यानी 1 एक्स्ट्रा डे बनाते हैं, और हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 डेज की होती है, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर जमीन है। पानी की अधिकता के कारण आकाश से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से ग्रहों के क्रम में मंगल यानी मार्स चौथा ग्रह है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए यह पृथ्वी से देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है। इसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मार्स पर ही स्थित है। ओलंपस मोन्स की ऊंचाई 21.9 किलोमीटर है, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी ओलंपस मोन्स एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग 2.5 टाइम्स ऊंचा है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। बृहस्पति यानी जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें क्रम पर है। इस ग्रह पर पदार्थ कम मात्रा में और गैसें अधिक मात्रा में हैं, इसीलिए इसे गैस दानव ग्रह या गैसियस जाइंट भी कहते हैं। सौर मंडल के अन्य 7 ग्रहों के टोटल मास का यह 2.5 टाइम्स है। इसके 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यदि किसी व्यक्ति का वेट अर्थ पर 100 केजी है तो जुपिटर पर उसका वेट 252.8 केजी होगा। शनि यानी सैटर्न सूर्य से 6वें स्थान पर है और जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने के बाद भी इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण इसमें लेस प्रेशर और लेस मास का होना है। सैटर्न अपनी प्लेनेटरी रिंग्स के लिए भी जाना जाता है। इन रिंग्स की संख्या 7 है। ये बर्फ धूल और चट्टानों से बनी है। सैटर्न के पास सबसे अधिक
82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसका टाइटन सैटेलाइट जुपिटर के गैनीमेड से छोटा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। अरुण यानी यूरेनस सूर्य से सातवें क्रम पर सबसे ठंडा एवं तेज हवाओं वाला ग्रह है। यूरेनस का रिवॉल्यूशन पीरियड 84 इयर्स है। यूरेनस अपने एक्सिस पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। इस अद्भुत झुकाव की वजह से इसका एक पोल 42 इयर्स तक सूर्य के सामने रहता है, जबकि दूसरा पोल 42 इयर्स तक अंधकार में रहता है और 42 इयर्स बाद सन के सामने आता है। यूरेनस में पानी, मीथेन और अमोनिया की बर्फ की अधिकता है, जिसके कारण इसे हम बर्फीला दानों या आइस जायंट प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस में 13 रिंग्स हैं, जिसमें अंदर की 9 रिंग्स बहुत पास हैं। यूरेनस के पास 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि यूरेनस और वीनस पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज घूमते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वेट अर्थ पर 100 केजी है तो यूरेनस पर उसका वेट 92 केजी होता है। वरुण यानी नेपच्यून सूर्य से आठवां ग्रह है और ज्ञात ग्रहों में सबसे अंतिम है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड 164.79 इयर्स है, यानी यह 164.79 इयर्स में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। मास की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा और डायमीटर के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 14 नेचुरल सैटेलाइट हैं। नेपच्यून में भी रिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये रिंग बहुत धुंधले हैं। यदि अर्थ पर किसी व्यक्ति का वेट 100 केजी होता है तो नेपच्यून पर उसका वेट 114 केजी होता है। जब हम सभी ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनका क्रम होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से पहले चार प्लैनेट मरकरी, वीनस और मार्स यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह ज्यादातर ठोस, चट्टानी, छोटे, घने और भारी होते हैं। उनके प्राकृतिक उपग्रह बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत आकार के सापेक्ष हल्के होते हैं, गैसी होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम बड़ी मात्रा में होते हैं, फिर भी ये सूर्य की तरह नहीं जलते, क्योंकि इनके पास उच्च तापमान और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आवश्यक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त मास और गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। इसीलिए इन्हें कभी कभी असफल सितारे या फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह 2 प्रकार की गति करता है, एक सूर्य के चारों तरफ और दूसरी अपने एक्सिस के चारों तरफ। किसी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में लगने वाला समय उस ग्रह का वर्ष होता है। इस प्रकार सबसे दूर वाले ग्रह के वर्ष की अवधि सबसे अधिक होती है। ग्रह का अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना रोटेशन कहलाता है। किसी ग्रह के लिए उसके रोटेशन एक्सिस और उसके ऑर्बिटल एक्सिस के बीच बने कोण को अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट कहते हैं। कुछ ग्रह जैसे मरकरी, वीनस, जुपिटर की एक्सिस इसके ऑर्बिटल
एक्सिस के लंबवत होती है और इनका एक्सियल टिल्ट लगभग ना के बराबर होता है, जबकि अर्थ का एक्सियल टिल्ट लगभग 23.5 डिग्री है। इसी एक्सियल टिल्ट या अक्षीय झुकाव के कारण साल भर सूर्य अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग कोणों पर चमकता है, इससे सीजन्स का निर्माण होता है। हमारे सौर मंडल में यूरेनस का सबसे अधिक अक्षीय झुकाव है। यह अपनी एक्सिस से लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसका नॉर्थ पोल लगभग इसके इक्वेटर पर है और इसके एक साइड में लगभग 42 इयर्स तक रोशनी रहती है, जबकि दूसरे सिरे पर 42 इयर्स तक अंधकार रहता है। यहाँ पर हम देखें तो अर्थ का एक रोटेशन लगभग एक दिन या 24 आवर्स का होता है और इसका रेवोल्यूशन पीरियड 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड होता है। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका रेवोल्यूशन पीरियड उतना ही अधिक होता है, किंतु रोटेशन सूर्य से दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी एक्सिस पर कितनी तेजी से घूम रहा है। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच एक रिंग होती है जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टिका या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में हजारों लाखों ठोस अनियमित आकार की सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये एस्ट्रॉइड भी सूर्य की परिक्रमा करती हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में स्थित 940 किलोमीटर डायमीटर वाले सीरिस को पहले एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इसी तरह के अन्य बड़े एस्ट्रॉइड की खोज के बाद 1840 में इसे प्लैनेट से एस्ट्रॉइड की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके बाद पुनः 2006 में इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह में वर्गीकृत किया गया। एस्ट्रॉइड बेल्ट का कुल मास मून के मास का लगभग 4% है। इसी प्रकार सौर मंडल में नेपच्यून की कक्षा से बाहर सूर्य से लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच फैली एक और बेल्ट है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है, जहां पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। कुइपर बेल्ट भी एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह है, लेकिन यह उससे लगभग 200 गुना बड़ी है। 2370 किलोमीटर डायमीटर वाला प्लूटो भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। कुछ वर्ष पहले तक यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और दूर का ग्रह माना जाता था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे ग्रहों की कैटेगरी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला गया क्योंकि वह प्लैनेट होने के लिए जरूरी कंडीशंस को पूरा नहीं करता था। किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के प्लैनेट होने के लिए आवश्यक है कि वह सूर्य के चारों तरफ घूमता हो, उसका स्वयं का इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वो लगभग एक गोलाकार आकृति ले सके। वह अपने ऑर्बिट में आने वाली सभी सेलेस्टियल बॉडीज को क्लियर कर सके। इनमें से प्लूटो ने तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं किया। प्लूटो ने कुइपर बेल्ट में अन्य ऑब्जेक्ट और जमी हुई गैसों के साथ अपने ऑर्बिट को साझा किया। साथ ही साथ इसके पड़ोसी ग्रह नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल ने भी इसकी कक्षा को प्रभावित किया। यही कारण था कि 2006 में इसे प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। कुइपर बेल्ट से आगे पूरे सौर मंडल को एक बादल जैसे खोल ने घेरा है, इसे ऊंट क्लाउड कहा जाता है। यह ऊंट क्लाउड
सौर मंडल में लंबी अवधि के धूमकेतुओं यानी कॉमेट का एक स्रोत है। ओर्ट क्लाउड सूर्य से लगभग 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लगभग 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। ओर्ट क्लाउड की बाहरी सीमा हमारे सौर मंडल की आखिरी सीमा है। यहीं तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल का अंत है। आशा करती हूँ इस वीडियो द्वारा आप हमारे सौर मंडल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।